बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये 2021 ग्वादर आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं रैली के लिए। मेरा ख्याल 2-3 साल का नागा था बीच में। अब इस साल जो रैली हो रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, काफ़ी जज्बा है और मेरा ख्याल हर एक कोने से पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें ऑल द वे अप फ्रॉम इस्लामाबाद से लेके जिधर पाकिस्तान ख़त्म होता है जिधर हम खड़े हैं ग्वादर है। हमारा ये जो ट्रैक है बना था मेरा ख्याल 240 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें ये जो अभी तूफ़ान आया था डेढ़ हफ्ता पहले जो कराची बचा ये एरिया में काफ़ी बारिश करता वो मान गया, उससे हमारा ट्रैक काफ़ी ख़राब हुआ है, जो अभी भी पानी खड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से हमें ट्रैक को थोड़ा छोटा करना पड़ा। अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है वो अप्रॉक्सीमेटली 125 किलोमीटर्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबजादा सुल्तान टीम सुल्तान से मेरा ताल्लुक है और ग्वादर ऑफ रोड रैली में शिरकत के लिए आए हुए हैं। अभी 2-3 साल के गैप से ग्वादर रैली हो रही है, तो 2021 की ग्वादर रैली के लिए पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितनी मेहनत से और जितनी कोशिश से ये ट्रैक बनाया गया है, रैली को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुकाबले भी इसी तरह और जोश और बेहतरीन अंदाज से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रॉनी पटेल है जी और मैं शुरू से ग्वादर आ रहा हूँ, जब से रैलियाँ शुरू हुई है। पहली रैली मैंने 1991 में या 92 में पार्टिसिपेट किया था जी, वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था ग्वादर को जी, और उस ज़माने में 790 किलोमीटर का ट्रैक होता था जी, ग्वादर टू लियारी, और पूरा कच्चा होता था जी, और अल्लाह के शुक्र से उसमें फ़र्स्ट टाइम हमारी सेकंड पोजीशन आई थी, वो भी 1 मिनट से। और उस ज़माने में लालजान, शाम्बे और काफ़ी लोग पुराने होते थे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। और मैंने बहुत चेंज देखा है ग्वादर में, बहुत अच्छा चेंज देखा है। अभी बीच में रैली थोड़ी डिसकंटिन्यू हो गई थी, मगर जब से कंटिन्यू होना शुरू हुई है ये रैली बढ़ती जा रही है, ऊपर जाती है, और मुझे खुशी ये हो रही है कि नए नए लोग आ रहे हैं, नया जनरेशन आ रहा है जो ये स्पोर्ट को आगे लेके बढ़ेगा। मुझे तो 40 साल हो गए इस चीज़ करते हुए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तृष्णा पटेल है और मैं 2013 से पाकिस्तान में रेस कर रही हूँ। ट्रैक थोड़ा टफ है क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो उसको पानी के इश्यू है, तो पानी कम होने की वजह से ज़्यादा हार्ड है, पत्थर ज़्यादा है, जंप ज़्यादा है, सैंड ज़्यादा है, तो डेफिनेटली थोड़ा टफ है, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, जज्बात से नहीं। और इंशाल्लाह बहुत न्यू एंट्रीज भी है लेडीज़ कैटेगरी के अंदर, वो बहुत खुशाइन है, मैं वेलकम करती हूँ उन सबको। मैं CM जाम कमाल साहब को और पाक आर्मी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि इन्होंने ये इवेंट मुनक्कद किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम शिराज कुरैशी है और मैं यहाँ पे ग्वादर ऑफ रोड रैली में आई हुई हूँ। मेरी आई थिंक 6th या 7th रेस है यहाँ पाकिस्तान में रैली है, लेकिन ग्वादर में फ़र्स्ट टाइम है और अभी मैं रेकी से वापस आई हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़े का ट्रैक है, इसमें हैंडलिंग भी है और स्पीड भी है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया इसमें पूरे करने में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबाब हयात खान है और मैं फ़र्स्ट टाइम ग्वादर रैली में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। जितना मैंने ट्रैक देखा है, जब मैंने एक ही रेकी की है फ़िलहाल, और मैंने जितना ट्रैक देखा है ट्रैक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन एंड में थोड़ा कंट्रोलिंग का मसला है, मतलब बहुत ज़्यादा एक जगह पे स्टक हो जाता है, गाड़ी का मसला होता है, तो उधर से काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा नाम पलवशा सुल्तान है और मैं इस्लामाबाद से आई हूँ और ग्वादर में मेरा ये पहला रैली एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने ग्वादर रैली नहीं की है और आज मैंने अपनी पहली रैली की है। और ट्रैक जो है वो काफ़ी आसान है, बीच में काफ़ी सरप्राइज बम्प्स भी हैं और हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जितनी अब तक मैंने रेकी की है मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और इंशाल्लाह इसको मैं अच्छे से कंप्लीट करूँ। मेरा नाम जैन महमूद है, भावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं 2014 से रेस कर रहा हूँ और ये मेरी चौथी ग्वादर रैली है। आज तक जितनी भी ग्वादर में रेसेस हुई हैं
उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। अभी मैं ए प्रिपेयर्ड में पहली दफ़ा इधर गवादर में कम्पीट कर रहा हूँ। ट्रैक इटसेल्फ काफ़ी चैलेंजिंग है और मैं समझता हूँ कि आज भी कुछ लोग भगा रहे थे, कुछ हादसा हुआ है। हमने यही कहना है कि सोच समझ के चलाएं ड्राइवर्स को, क्योंकि ट्रैक हर एक दिन बदलता गया। जो मैं 3 दिन पहले आया था और आज ट्रैक में बहुत फ़र्क है। तो माशाल्लाह सब प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं। आप इसके बाद हमारी ड्राइवर्स मीटिंग है, उसमें सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन ग्वादर के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि ये साल शुक्र है कि ये रैली हुई है और ये हर साल होनी चाहिए ग्वादर के लोगों के लिए, एरिया के लिए, बलूचिस्तान के लिए, दिखाने के लिए कि ग्वादर इट्सेल्फ, ये आप लोगों की वसादत से, कैमरा मीडिया की वसादत से ग्वादर नज़र आता है कि ग्वादर है क्या, और सारी दुनिया को देखना चाहिए ग्वादर के लोग कैसे हैं, कितने हॉस्पिटेबल हैं, हमारे साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। हम भी इन लोगों के लिए आते हैं। इस दफ़ा ट्रैक थोड़ा छोटा है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द फ्लड्स एंड वाटर, बारिश की वजह से। तो इस दफ़ा उतना बड़ा ट्रैक नहीं है जितना हर दफ़ा होता है, बट एज़ यूजुअल चैलेंजिंग ट्रैक है। बड़ी मेहनत हुई है ट्रैक के ऊपर, तो आई थिंक अच्छा कॉम्पिटिशन रहेगा। मुझे सही याद तो नहीं है, शायद पहली ग्वादर रेस में कुछ 50 के करीब गाड़ियाँ होंगी, 45 से 50, और फिर हर साल बढ़ती गई। अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ ईरान से आई हुई हैं, इसी तरह इस्लामाबाद से और मुख्तलिफ जगहों से, लाहौर से ऐसे गार्डन्स की टीम ऐड हुई, बाकी और भी टीम्स एक्सपेक्टेड हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद 60+, बल्कि मे भी 70 तक चली जाए तादाद। मुझे खुशी ये हो रही कि अभी इस दफ़ा ईरान से कोई 7-8 गाड़ियाँ आई है जिनको फैसिलिटेट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्लियरेंस की आर्मी ने फैसिलिटेट किया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ियाँ लेके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गाड़ियाँ लेके आए हैं। हमारी खुशी ये है कि जी इतने लोग आ रहे हैं, अभी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी शुरू हो गए हैं, तो हमारा ये फेडरेशन वगैरह जो बनेगा उसके बाद इंटरनेशनल एंट्रीज़ भी परमानेंटली आना शुरू होगी और पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया में प्रोग्रेस होगा जी, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। मुझे खुशी ये हो रही है कि लेडीज़ में भी 6 लेडीज़ आ गई हैं, 2 कैटेगरीज़ बन गई है, 3 स्टॉक में आ रही है, 3 प्रिपेयर्ड में आ रही है। मेरी अपनी वाइफ रेस कर रही है कृष्णा पटेल, और कराची से हमारी लेडीज़ आ रही है। मुझे बड़ा खुशी हो रही है इस दफ़ा, मैं बहुत खुश हूँ ये देख कर कि इस रेस में ज़्यादा औरतें आई हैं, ज़्यादा फीमेल्स हैं, पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं, तो ये देख कर बहुत खुशी हुई, एंड इंशाल्लाह आने वाली रेसेस में और होंगे। ट्रैक काफ़ी खुद चुका है और ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो कि नुकसान अपना नुकसान करें। इधर हम नुकसान के लिए नहीं आए, खेल खेलने के लिए आए, जो सारे ग्वादर के लोग या पाकिस्तान के लोग देखें इसको, और इंशाल्लाह उनको सिखाएं सिखाना भी हमारा फ़र्ज़ है, सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।